हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे भगवान विष्णु एक बार रावण का जान बचाए थे और भगवान शिव क्यों रावण को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिए थे। दोस्तों एक बार रावण अपना पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था और उसका पुष्पक विमान का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से रावण जमीन पर गिर जाता है और अपना मदद के लिए आवाज़ देने लगता है। दोस्तों वहाँ बगल के गुफा में देवी देववती तपस्या कर रही थी, जो कि माता लक्ष्मी की अंश थी। रावण की आवाज़ सुनकर देवी देववती रावण की मदद करने के लिए वहाँ पर आती है। बाकी रावण देववती की सुंदरता को देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। दोस्तों देवी देववती रावण के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर उसको श्राप देती है कि तेरा मौत मेरे ही वजह से होगा। फिर देववती अपना शरीर त्याग कर देती है। दोस्तों जब भगवान शिव ये सब देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं और रावण को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लेते हैं। बाकी वहाँ पर भगवान विष्णु प्रकट होकर महादेव को रोक देते हैं और बोलते हैं, हे महादेव, आप तो सब जानते ही हो रावण मेरा द्वारपाल था और उसका उद्धार सिर्फ मेरे ही हाथ होगा, उसके लिए अभी के लिए आप उसको माफ कर दीजिए। दोस्तों इसी प्रकार से भगवान विष्णु रावण का जान बचाए थे। दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना और आखिरी में एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।